निर्देश जारी किया गया है जिसमें कि आम नागरिकों की जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों का ससमय त्वरित तरीके से और एफिशिएंटली उन सभी का निष्पादन हो सके, लोगों की शिकायतों का निराकरण किया जा सके, इसको लेकर के विशेष तौर पर पहल शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य जैसा मैंने बताया कि लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, साथ ही साथ उन शिकायतों का प्रॉपर फॉलोअप किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको रजिस्टर किया जाए और उस समस्या का निराकरण करते हुए जो शिकायत करता है उसको सूचित किया जाए। इस प्रकार का एक आदेश निर्गत किया गया है जिसको लेकर पूरे राज्य में जितने जिले हैं सभी जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। जमशेदपुर जिले में भी, पूर्वी सिंहभूम जिले में भी आगामी 20 तारीख को यानी कि दो दिनों के बाद इस प्रकार का एक जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन माइकल जॉन ऑडिटोरियम दृष्टिपुर में प्रातः 10 बजे किया जा रहा है। और इसमें मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनके माध्यम से कि अधिकाधिक लोगों तक, सभी लोगों तक यह बात पहुँचे कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति जिनके पास पुलिस से जुड़ी हुई कोई शिकायत हो या कोई समस्या हो जिससे वह रूबरू हो और उसका कोई निदान ना निकल पा रहा हो तो उस समस्या को लेकर के आप उस दिन कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। हमारे डिफरेंट वहाँ पर काउंटर्स बने हुए रहेंगे, साथ ही साथ सभी DYSP और थाना प्रभारियों को भी उसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। यथासंभव समस्याओं को हम लोग उस दिन सुनने की और निराकरण करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा उन सारे मामलों को कम से कम डेफिनेटली हम लोग अपने ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे जिससे कि उस पर अग्रिमता कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस विशेष प्रयोजन के लिए हम लोगों ने एक मोबाइल नंबर भी विशेष तौर पर जारी किया है और जो मैंने प्रेस विज्ञप्ति में आपके साथ साझा भी किया है और इसके साथ एक ईमेल ID भी जारी किया गया है। तो मोबाइल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके या फिर ईमेल ID पे अपनी शिकायत दर्ज करा करके लोग अपनी बात रख सकते हैं, जिसका कि एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भी हम लोगों के स्तर से दिया जा रहा है। अगर वो फिजिकली दे रहा है तो फिजिकली हम लोग उसको एक प्राप्ति रसीद दे रहे हैं, अगर वो डिजिटली दे रहा है तो फिर डिजिटली ही उसके पास चला जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा एक मेकानिज़म डेवलप किया गया है जिससे कि जो भी आमजन है और उनकी अगर कोई समस्या है तो उसको वो लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं जिससे पुलिस उस पर एक्शन ले सके। दूसरा, जो इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, वह वर्तमान में अभी पूरे जिले स्तर पर एक किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न पुलिस उपाधीक्षकों के क्षेत्र में जो है अलग से भी इस प्रकार के कार्यक्रम सतत रूप से आयोजित होते रहेंगे जिससे कि लोगों को बारम्बार जो है एक चैनल मिलता रहे जिससे कि वो अपनी बात को सामने रख सके। इसके अलावा इस समाधान कार्यक्रम में न केवल लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी बल्कि जनहित से जुड़े हुए जो कई सारे जो और इश्यूज हैं, जैसे कि चाहे वो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मसला हो या ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर और अन्य जो भी पुलिस जो एक बेहतर एक तरीके से कार्य पद्धति जो पुलिस ने अपनाई है और लोगों को जो जागरूक करने का पुलिस प्रयास करती है, उस संदर्भ में भी लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में बताया जाएगा, उनको इससे वाकिफ करेंगे। कितने काउंटर बनाए जा रहे हैं? अभी 5 काउंटर हैं। ये नंबर हम लोगों ने कब जारी किया था? 4 तारीख से हम लोगों ने इसको जारी किया है जिसमें अभी तक 16 शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं जिसमें उन सभी का जो है हम लोगों ने निराकरण करने का प्रयास किया है। जिस संदर्भ में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है जो साइबर ठगी से संबंधित मामला था, बाकी मामलों में थानों के द्वारा कार्रवाई की गई है और कुछ में भी कार्रवाई जारी फिजिकली वो चाहे तो थाने पे हमारा एक सेल बना हुआ है, थाना कोटा पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक सेल बनी हुई है, उस सेल में जाकर के जन शिकायत समाधान कोषांग बना हुआ है, उस कोषांग में आकर के जो कि हमारे DSP जो CCR हैं वो बेसिकली लीड करते हैं, DSP